वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू टुडे सेशन। आज का हमारा टॉपिक है ऑन डायनामिक एरोबिक्स, सो समथिंग दैट वी हैव डन मेनी टाइम्स एंड आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर मॉर्निंग शेड्यूल। हम सुबह उठ के चाहे और कोई एक्सरसाइज करें ना करें, हम चाहे वॉक पे जाएं या ना जाएं, बट एरोबिक्स इज समथिंग जो कि चाहे हम 5 मिनट के लिए करें या चाहे हम आधे घंटे के लिए करें, चाहे एक घंटा तो खैर कर ही नहीं सकते, इतना हाई इंटेंसिटी होती है एक्सरसाइज, बट इट इज समथिंग दैट वन नीड्स टू डू ऑलमोस्ट एवरी डे जस्ट टू jump start your entire metabolism into working and to keep it going for the entire day। एंड सेकेंडली जितना भी कैलोरीज का इंटेक होता है उसको एक्सेसिव कैलोरीज को बर्न करने के लिए। सो टेक्निकली जब हम डिनर करते हैं अपना रात को बिफोर वी गो टू स्लीप, तो आपके डिनर करने में और बाय द टाइम यू गो टू बेड उसके बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप कहते हैं कि होना चाहिए आइडियली। समटाइम्स इन सम केसेस दैट गैप इज स्लाइटली मोर देन 2 आवर्स ऑल्सो, और वहीं कई केसेस में वो गैप 2 घंटे से कम भी हो जाता है। अगर कहीं पे 2 घंटे से गैप कम है तो उसके अपने कुछ नुकसान है, नॉट सो सिवियर बट देयर आर सर्टेन ड्रॉबैक्स टू इट। एंड वहीं अगर 2 घंटे से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, ज़्यादा अगर लेट सोते हैं तो कुछ उसके भी नुकसान है। अगेन नॉट दैट सिवियर बट यस दे आर देयर। सो 2 घंटे से पहले अगर हम सोने चले जाते हैं तो उसका क्या नुकसान है? उसका नुकसान ये है कि क्योंकि आपके शरीर का सारा जो ब्लड है इट इज नाउ रिडायरेक्टेड टुवर्ड्स योर एब्डोमेन, टुवर्ड्स योर स्टमक टू डाइजेस्ट दैट फूड। अगर आपने सपोज करिए कि खाना खाया रात के 9 बजे और 10 बजे आप जाके लेट गए टू गो टू स्लीप, तो वो टाइम सफिशिएंट नहीं होता बॉडी के लिए कि वो सोने से पहले वो सारे फूड को डाइजेस्ट कर दे। इट स्टेज इन द स्टमक एंड देन इफ यू आर लाइंग ऑन द बेड, तो पहली बात तो ये कि खाना पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हुआ, इट इज अनडाइजेस्टेड। सेकेंडली वाइल स्लीपिंग आप करवट लेते हैं यहाँ वहाँ, अगर उस टाइम पे वो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो इट वोंट बी एबल टू पास थ्रू दी इंटेस्टाइन करेक्टली, वो पेट में ही जमा होकर रह जाएगा एटलीस्ट अगले दिन की सुबह तक। सो इट कैन कॉज डाइजेस्टिव इश्यूज। देन वहीं अगर हम 2 घंटे से ऊपर मान के चलते हैं, लेट्स से कि हमने डिनर कर लिया शाम को 8 बजे और हम बेड पे अपना सोने के लिए गए रात को 11 या मे बी 12 बजे, उसका ड्रॉबैक ये है कि अब खाना डाइजेस्ट हो चुका, उसमें जितनी कैलोरीज थी अब फ्रैक्शन ऑफ इट हैज नाउ बीन बर्न्ड, बट अब धीरे धीरे करके बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो थोड़े से नीचे की ओर जाने शुरू हो जाते हैं एक सर्टेन पॉइंट के बाद, क्योंकि अब खाना पूरी तरह डाइजेस्ट हो चुका है। सो वंस द ब्लड शुगर लेवल स्टार्ट्स टू गो डाउन, वो उस टाइम पे हमें फील नहीं होता है, वो हमें फील होता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब हम उठते हैं। सो एट दैट टाइम व्हेन द पर्सन वेक्स अप, ही माइट वेक अप फीलिंग वेरी लेथार्जिक, ही माइट वेक अप फीलिंग अ सेंस कि पूरा जो स्टमक और एब्डोमेन है वो अंदर से श्रिंक सा होता हुआ कई बार फील होता है, या बहुत सारे हर हर पेशेंट के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, हर व्यक्ति का अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है इस मामले में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे से दैट यस हमें ऐसा लगता है कि सुबह उठ के थोड़ा लेथार्जिक सा फील होता है या फिर वीकनेस महसूस होती है। एंड अगर उठ के सुबह ब्रेकफास्ट कर लें उसके बाद वी फील बेटर, क्योंकि आपने ब्रेकफास्ट कर लिया तो अगेन योर ब्लड शुगर लेवल राइजेस अप टू द नॉर्मल लेवल, सो इट इज देन फाइन, उसको बॉडी मेंटेन करना सीख लेती है अपने हिसाब से। तो एरोबिक्स इसमें क्या रोल प्ले करता है? एक्सेसिव कैलोरीज को बर्न करने के अलावा आपकी बॉडी को चलाए रखना, एंड लाइक आई सेड टू ओवरकम दैट लेथार्जिक फेज व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग। अब कहीं ना कहीं पे वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आप कितने बजे उठते हैं। अगर हम सोए हैं रात को 11 बजे और हम सुबह 5 बजे उठ जाते हैं तो ज्यादा सफिशिएंट टाइम नहीं है हमारी नींद पूरी होने के लिए। वहीं अगर हम 11 बजे सोते हैं और हम उठते हैं सुबह 6 बजे तो थोड़ा सा उससे बेटर होता है। वहीं अगर हम 11 बजे सोते हैं और हम उठते हैं सुबह 7 बजे तो वी से दैट इज इवन बेटर। वो आइडियल जो हमारा 7 to 8 आवर्स के बीच की जो स्लीप होती है वो उसमें कंप्लीट हो जाती है। अगर 11 बजे सो के 5 बजे उठेंगे तब थोड़ी मुश्किल है, फिर 6 घंटे हुए मुश्किल से। सो दैट्स नॉट रियली अ गुड आइडिया। एंड 8 आवर्स की स्लीप एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये एक लोगों के मन में मिथ बैठा हुआ है कि 8 आवर्स स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए, मिनिमम इतना होना ही चाहिए। 8 आवर्स एट अ स्ट्रेच आपकी बॉडी सोने के लिए नहीं बनी है, वो बनी है 4 घंटे की नींद 2 अलग अलग पार्ट्स में लेने के लिए, 4 से 5 घंटे। 4 घंटा एवरेज हम मान के चलते हैं, इट कुड बी 5 आवर्स ऑल्सो बट नॉट 8 आवर्स एट अ स्ट्रेच। इसीलिए कई बार आपने नोटिस करा होगा कि रात को एट सर्टन पॉइंट कई बार लोगों की नींद खुल जाती है। might not be in such a way कि आपकी नींद खुल गई और आपको पता चलेगा। कई बार नींद खुलती है 2 मिनट के लिए और हम दोबारा सो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता होता है। बाय द टाइम वी वेक अप इन द मॉर्निंग नेक्स्ट डे हमें पता भी नहीं लगता कि हम बीच में उठे थे या नहीं। वो बॉडी का अपना मैकेनिज्म है टू कीप इटसेल्फ रेस्टेड। ठीक है, सो एट दैट टाइम आवर मेटाबॉलिज्म एट अ वेरी स्लो रेट। सो उसको जैसे मैंने बताया कि जंप स्टार्ट करने के लिए दिन में एरोबिक्स इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। सो विल स्टार्ट विद दैट नाउ। तो चेयर को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं, दोनों हाथों को इस तरह से आगे ले आइए। थोड़ा पहले वार्म अप कर लेंगे हाथों का, चलाइए हाथों को। दोनों हाथ ऊपर ऊपर रख के भी चलाते रहिए। थोड़ा सा कंधों को स्ट्रेच कर लेते हैं, हाथ साइड में रखिए इस तरह से, पीछे की ओर हाथों को स्ट्रेच करते हुए। वापस आगे लाएंगे, अगेन पीछे ले जाइए। वापस आगे लाइए एक बार और। Any breathing pattern in it? वापस आगे लाएंगे, दोनों हाथ नीचे। So now to continue with the main exercises, आप सब प्लीज खड़े हो जाइए अपनी चेयर से so that we can begin. पैरों को थोड़ा पास पास ले आएंगे, हाथ कमर पे, अपने टोज के ऊपर खड़े होते हुए into heel raises. So now we'll start with the aerobic exercises. Like I said, कि exercise थोड़ी fast pace पे होती हैं. Number of repetitions are slightly more. आपको जहाँ पे लगे कि आप थक रहे हैं, आपको जहाँ पे लगे कि muscles में कहीं पे आपको सोरनेस महसूस हो रही है, आप उस टाइम पे रुक जाइएगा. Take a break and then continue maybe 5 minutes later. Okay. So we'll start with the upper limbs first, then go towards the lower limb. थोड़ा सा पैरों को पास लाते हुए हल्का सा आगे को बेंड करेंगे इस तरह से. हाथों को नीचे की तरफ फैलाते हुए हाथों को आगे की तरफ मूव करेंगे इस तरह एंड वापस पीछे. Okay, relax. दोनों हाथ नीचे सीधे हो जाते हैं. The next exercise. और अपने ब्रीदिंग पैटर्न को इसके साथ में मैच करते हुए दोनों हाथों को इस तरह से साइड में रखिएगा. एल्बो बेंड करके हाथ ऊपर ले जाते हुए इनहेल करेंगे और नीचे लाते हुए एक्सेल करेंगे. So try to match your breathing pattern along with the movement of your hand. Start. ओके, दोनों हाथ नीचे पैरों को फैला लीजिए इस तरह. हाथों को ऐसे उठा लेंगे एंड नाउ विल रोटेट आवर स्पाइन बट हाथों को ढीला छोड़ देंगे इस तरह से. बॉडी के अपने मोमेंटम से हाथ ऊपर हवा में ही रहेंगे, नीचे नहीं आएंगे. तो दोनों हाथ नीचे, पैरों को वापस ले आते हैं सेंटर में। Now for the next exercise, या तो दोनों हाथों का कमिट कर सकते हैं, या फिर अपना अगर आपको बैलेंस थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रही है बैलेंस मेंटेन करने में, तो यू कैन आइदर कीप वन हैंड ऑन द वॉल एंड व्हाट वी विल डू इज पैर को ऊपर उठाएंगे थोड़ा सा डायगनली इन दिस वे एंड वापस। ओके, अगर तो आप बैलेंस बना सकते हैं तो दोनों हाथ कमर पे रखिएगा, अगर नहीं तो एक हाथ चाहे दीवार पे रख लीजिए एंड देन डू स्टार्ट। ध्यान रखिएगा कि जब आप पैर को ऊपर उठाएं तो अपने पूरे एब्डोमेन को टाइट करें, पेट को टाइट करते हुए तब उठाना है पैर को ऊपर। अगर एब्डोमेन को लूज रखेंगे तो पैर पूरी तरह ऊपर उठ नहीं पाता है। दोनों पैर नीचे ले आते हैं, अब पैरों को हिला लेंगे दोबारा। और नेक्स्ट एक्सरसाइज, हाथों को उठा के आगे की तरफ बेंड करते हुए ट्राई करना है कि अपने घुटने को टच करें एंड वापस ऊपर आए। अगर किसी कारण से लगता है कि आगे बेंड नहीं कर पा रहे हैं, घुटना को टच नहीं कर पा रहे हैं, इट्स ओके, जहां तक आपका हाथ पहुंचे वहां लेके जाइए एंड वापस ऊपर ले आइए। ओके, और ध्यान रखना है कि ये मूवमेंट होना चाहिए इस तरह से। स्टार्ट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, right, left, 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 right, and relax। दोनों हाथ नीचे, वापस पैर सेंटर में ले आते हैं। Just one more exercise we'll do, then we'll take a break of 2 minutes। दोनों हाथों को आगे ले आइए इस तरह से। घुटनों को उठाते हुए अगेन अपने एब्डोमेन को टाइट कर लेना है अच्छे से एंड घुटनों को उठाते हुए हाथ से टच करना है। सो इस तरह से रखेंगे एंड ये बस स्पीड से करना है, घुटनों से आवाज आनी चाहिए, हाथ पे टच होते हैं। वापस दोनों हाथ नीचे, वापस चेयर पे बैठ जाते हैं। टेक अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स। इस एक्सरसाइज के लिए डॉक्टर अनुराग कपड़े ठीक होने चाहिए। वन शुड वेयर ट्रैक। एरोबिक्स के लिए थोड़ा से कपड़े पहनना प्रेफरेबल। डोंट गो अप, आपकी लात ऊपर नहीं जाएगी अगर आपने ट्रैक पैंट्स नहीं पहने। हां जी, ये तो है। थक गए अनुराग? थकने का ये तो पूरा पॉइंट है मैम एरोबिक्स करने का। बाकी अगर एरोबिक्स करते आप थक रहे हैं तो आप ठीक कर रहे हैं इसका मतलब। अगर आप एरोबिक्स में थक नहीं रहे तो आप कुछ गलत कर रहे हैं, यानी कि अरे बॉडी को आदत भी हो जाती है करके, नहीं भी थकते। एक लेवल और ऊपर जाएंगे। अरे फोन आ गया, मेड कह रही आ नहीं रही हूँ, ये भी तो दिखाई दे रहा है काम करना। नहीं, पहले तो चाय पानी पी के तो सिकार दे पे हो, फिर थकना ही है ना। अरे बैठी तो लेनी लेनी है, नहीं तो चलेगा कैसे। अनुराग विद दिस एक्सरसाइज स्टमक टाइट करने में, एब्डोमेन को टाइट करना है। हाँ जी मैम, किसी भी मूवमेंट में जिसमें आपको घुटनों को बेंड करके अपनी तरफ लाना होता है, एट दैट टाइम इट इज एडवाइजेबल कि अपने एब्डोमेन को एकदम टाइट कर लें। उसके पीछे दो मेन कारण होते हैं कि पहला तो ये कि अगर जैसे आपके केस में अगर किसी को अगर हर्निया की प्रॉब्लम है सपोज करिए, तो अगर उसका पूरा जो स्टमक का जो पूरा कोर मसल्स का जो एरिया है अगर वो लूज होगा तो वो यहाँ वहां मूव कर सकता है आसानी से। वंस इट इज कंस्ट्रक्टेड लाइक दिस, तो उसकी मूवमेंट इतनी नहीं हो पाती है। एंड इट इज इजियर टू लिफ्ट योर नी अप। बट इन योर केस आई विल एक्चुअली एडवाइस कि आप अगर उसको स्किप कर सके तो कर दीजिए। सो यू मे टाइटन द एब्डोमेन बट यू मे नॉट यू नो लिफ्ट योर नी अपवर्ड्स टुवर्ड्स इट। वो आप अवॉइड कर सकते हैं अपनी तरफ से, अपवर्ड और जो नी नी को टच करना है ऐसे करके। दैट आल्सो यू कैन अवॉइड। नी को टच ना करते हुए थोड़ा नी से ऊपर अगर टच करें तब भी उतना भी ठीक है। ठीक है, ओके। नी जॉइंट से या उससे थोड़ा नीचे की ओर ना जाएं तो ज्यादा अच्छा। हाँ हाँ, थैंक यू रन। ओके, Dr. Anurag, in a week, how many times shall we do aerobic exercises? Ideally, मैम करने वाले तो daily करते हैं, लेकिन we say that twice a week is sufficient. जो daily करते हैं उनका करने का routine थोड़ा सा अलग है, and their way of doing is also slightly different. वहीं अगर हम हफ्ते में एक बार करते हैं तो या 2 बार करते हैं तो उसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है। जो जिम में जो करते हैं, जो डेली करते हैं जिम में जाके, हाँ। वो उनकी ड्यूरेशन बहुत कम होती है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, एंड आफ्टर अ सर्टेन एज इट्स नॉट रियली एडवाइजेबल। ऐसा नहीं कि लोग नहीं कर पाते, करने वाले लाइक आई सेड कि कर लेते हैं, एंड यू नो पीपल ऑफ एवरी एज ग्रुप आर देयर, बट जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड फ्रॉम अ डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव भी से कि उतनी ज्यादा स्ट्रेनस एक्टिविटी अगर अवॉइड कर सकें तो कर लें। सो एवरीवन हैज देयर ओन ओपिनियन रिगार्डिंग दैट। So what you are showing today, if we repeat it 2 times a week, I think that shall be okay for us. Right, so now we'll continue with the next set of exercises. Okay, so वापस चेयर से खड़े हो जाते हैं अपने. begin. So for the next exercise, we'll need some support. Maybe एक table का या बेड का सपोर्ट ले सकते हैं. जैसे यहाँ मेरे पीछे बना हुआ है, सेटिंग बनी हुई है, तो इसका मैं सपोर्ट ले सकता हूँ. ट्राई टू यूज अ रिजिड सपोर्ट. इस एक्सरसाइज में आपको चेयर ज्यादा हेल्प नहीं करेगी. चेयर थोड़ी हल्की होती है, तब भारी सपोर्ट लेना पड़ता है. सो फॉर दिस एक्सरसाइज दोनों हाथ आगे रखेंगे. Take a step back like this. Okay. And for the first exercise, again घुटने को bend करते हुए हम आगे की ओर लाते हैं इस तरह. So take a step back. Again अपने abdomen को tight कर लेंगे and we'll start right, left. चेयर का सपोर्ट मत लीजिएगा unless your chair is heavy. अगर आप सोफे पे बैठे हैं तो सोफे का सपोर्ट ले सकते हैं. Okay, relax. सीधे हो जाइए. थोड़ा सा लोअर बैक को स्ट्रेच कर लेते हैं. देन विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइज. सो दोनों हाथ पीछे इस तरह से रखते हुए लोअर बैक पे आगे की ओर इसको पुश करेंगे. अपने पूरे पेल्विस को आगे पुश करेंगे एंड देन विल लीन बैक लाइक दिस. एक बार और पीछे की ओर लीन करते हुए. वापस सीधे हो जाते. नाउ विल नीड टू गेट बैक टू दैट सपोर्ट दैट यू आर यूजिंग. सो आप जिसका भी सपोर्ट यूज कर रहे हैं वापस उसके ऊपर हाथ रख लेंगे, लेकिन इस बार स्टेप पीछे नहीं लेंगे, एक स्टेप आगे की ओर लेंगे और पास हो जाएंगे इस तरह से. एंड घुटने को बेंड कर लेंगे. तो मैंने राइट वाला नी बेंड कर लिया है इस तरह से. देन पीछे लेकर जाएंगे, घुटना सीधा एंड वापस. ओके, 10 repetitions for both sides. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Then दूसरा पैर लेफ्ट वाला घुटना बेंड करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. सीधे हो जाइए. नेक्स्ट एक्सरसाइज पैरों को दोबारा फैला लेते हैं तरह से, पैरों को सेंटर में लाते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे एंड विल डू दिस एंड बाउंस। थोड़ी स्पीड से ओके, दोनों हाथ नीचे वापस चेयर्स पे बैठ जाते हैं। मैं भी थक गया इतना में तो। आप तो सारा दिन करते हो ना अनुराग जी, हम तो सुबह करके बस हो जाते हैं। डॉक्टर अनुराग कौन रोया? अब शाम को भी रिपीट टेलीकास्ट हो जाएगा। अरे मजा आ गया। सुबह सुबह की सारी डॉक्टर म्यूजिक लगाया करो अरेबिक्स के साथ। हाँ जी, अरेबिक्स के साथ म्यूजिक लगाया करो। मैम वही मैंने कई बार ट्राई करा है लेकिन इसमें सिस्टम काम ही नहीं करता म्यूजिक का। अगर अलग से मोबाइल पे लगा लिया करो स्पीकर, या मोबाइल अगर मैं पास रखूंगा इसके तो वो फिर माइक में एको होता है बहुत ज्यादा। कोई भी दो डिवाइस ऐसे अगर हम यूज करें इनमें माइक लगा होता है, वो आपस में जब पास आते हैं तो बहुत तेज एको होती है उसमें। बहुत बार ट्राई करके देख लिया, पता नहीं क्यों नहीं चला। नहीं तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है इंसान के काम करते करते। आप अपनी म्यूजिक लगा लिया करिए। हाँ यही मैं भी कहने जा रही थी कि अपने अपने घर में बजाओ, माइक बंद रखो। माइक बस माइक ऑफ रखना पड़ेगा। हाँ माइक ऑफ रखना पड़ेगा, ये एक्चुअली में बेटर है। अपने अपने यही बिल्कुल मैं बोलने जा रही थी, तब तक मोना ने बोल दिया। मोना वैसा आप खुद लगा सकते, क्या बात है टेलीपैथी की। डॉक्टर अनुराग भामरे जी से सीख लो भैया, दोस्ती साथ साथ लगाते हैं। उनके पास स्पीकर है पूरा बकायदा, उन्होंने तो पूरा सेट ले रखा है उसका। हाँ लेकिन उससे फिर इंस्ट्रक्शंस सुनाई नहीं देंगे ना, तेज जरूर आवाज। ये बात है एक्चुअली, अपने अपने घर में बजाइए और जो इंस्ट्रक्शन मुझे देनी है वो नहीं सुन पाएंगे, म्यूजिक की आवाज में वो दब जाएंगे। हाँ वो कैकोफोनी हो जाएगा। कैसेट्स बनाते हैं म्यूजिक के साथ, एरोबिक्स कराते हैं, तो वो कैसे करते हैं फिर? उसमें आवाज तो पूरी आती है। अब एक तो उनका कमरा इससे बहुत बड़ा होता है। ये कमरा जहाँ भी मैं अपने क्लिनिक में बैठा हूँ, ऐसी बात नहीं कि बड़ा नहीं है, काफी बड़ा है, लेकिन जो जिम में कमरे होते हैं वो इससे भी बड़े होते हैं। और उनमें स्पीकर थोड़े दूर कॉर्नर्स में लगे होते हैं। यहाँ पर मैं स्पीकर कहाँ रखूंगा, यहाँ पे जगह ही नहीं। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। और ऐसे भी ठीक है यार, इतना क्या नखरा, काम करना है, काम से मतलब है। अपने शरीर को जरा हिला डुला लो। और आप अपने वहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि पीछे टीवी पे भी तो गाने आते हैं, म्यूजिक चैनल आता ही है, वो लगा सकते हैं। सुबह सुबह एक्सरसाइज के साथ साथ थोड़ी टीवी की वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं। That can be a good way to... सुनाई नहीं देगी, वही तो हिसाब है। बात सारी हुई है कि फिर हाँ जो इंस्ट्रक्शन जो देनी है वो बीच में दब जाएगी। मेन चीज तो इंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग आते हैं यहाँ, म्यूजिक के साथ तो हमेशा कर सकते हैं बिना तुम्हारे भी। लेकिन एडा वड्डा गाल कीती है कि जी म्यूजिक ला लो फलाना कर देता है नहीं बीच में। नहीं बिल्कुल नहीं। हां बस हमें नहीं करेंगे तो नेक्स्ट स्टार्ट वन, नेक्स्ट वन करके फिर जाएगा। देखो पसीना आया, पसीना मेरे को भी आ गया बहुत। तुम्हारा एम जो है हम लोग का पसीने बहा देना। अपना अपना भी तो आदत तो हमने जवानी में बहा दिया ना बच्चों को पालने में। इट इज डन। नहीं अब भी ऐसे ही आ रहा है। अब पसीना आना बंद हो गया आपका? हाँ, अब अपने लिए बहाओ। जी हाँ जी मैम। हाँ जी, we are done with the exercises. Okay. अब ये आवाज आ रही है। अब थोड़ी थकान दूर कर रहे हैं सब। अभी तो सारा दिन शुरू हुआ है, थकान अभी से हो गई तो फिर क्या होगा मोना डार्लिंग? हमको कहाँ यार थकान, हमको थकान तो हमें है ही नहीं, हम तो अभी जवान हैं। जिन्होंने म्यूजिक चाहिए मोना मैम तो है अभी, उनके तो कोई बाल भी सफेद नहीं, उनके सारे बाल काले हैं। बाल से क्या होता है यार, जान तो अंदर से अंदर मरी जा रही, सूखी जा रही। जान को पकड़ लो बालों में। उल्टा हमें छुपाने पड़ते थे जब बाल लंबे कर रखे थे। अच्छा था, इधर कंघी करेंगे तो छुप जाएंगे, अब ये दिख रहा है यहाँ पे कि नहीं। अनुराग ये जरा एज के हिसाब से हम और डायबिटीज की वजह से हम थोड़े थक तो जाते हैं, बात तो सही है, नेचुरली थक ही जाते हैं और हाँ अपने लगते हैं बहुत जल्दी। चलो कोई बात नहीं, तब भी करती हो आप, हैट्स ऑफ, प्लेस योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है कि जितना ड्यूरेशन बताया है उतना ही करना है। देखो केपी चले जा रहे हैं कहीं, केपी सर चले रहे हैं, भाग रहे हैं। तो समझ देखो कितनी नहीं जितने छड्डो परे वो 80 प्लस जवान है। अगर मैं थक जाऊं मैं तो फौरन बैठ जाती हूं। अच्छी बात है, वही तो कह रही है। आप सब अभी यंगस्टर्स हैं, आप 20 प्लस जवान हो। वो गाना आप तो 20 प्लस जवान, वो 80 प्लस जवान है। हम एल्डर हो चुके हैं, हम तो कह रहे हैं हम तो हो गए एल्डर। एक पैकेज हमें भी दिला दो भाई मोहा का, हम लोग के साथ रहोगे तो ऐसे ही हो जाओगे। आप तो फ्री है, हमारा तो पेड है। डॉक्टर अनुराग, हाँ जी मैम, हमारे सामने बच्चे हैं। अच्छा, आपने तो बातें करने का मौका चाहिए, वो मस्त होके करी जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज। और क्या, केपी सर तो भाग के गुड़गांव पहुंच जाएंगे। बातें करने को ज्यादा तेज कर दिया। हमें टाइम मिलना चाहिए, फट से सभी शुरू हो जाती है हमारी, बतियाने शुरू हो जाते हैं हम लोग। अनुराग जो वॉक कर लेते हैं वो ठीक है ना, 3 किलोमीटर तक कर लेते हैं। बिल्कुल मैम, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आप तो ठीक है, हम उसी में बड़े खुश रहते हैं। अरे तो जिसमें भी है 2 किलोमीटर क्या तो 3 किलोमीटर, हम तो 1 किलोमीटर भी नहीं जाते वॉक करने। आप तो बाहर ही नहीं निकलते करें क्या? देखिए पूरे दिन का टारगेट होता है कि मिनिमम 10,000 स्टेप अगर हम चल लें तो वी से कि हमारी सारी कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। तो अब कई बार मतलब सामने से जब किसी एल्डर से बात करते हैं तो सम एल्डर से कि हमारे तो दिन में 10 के 20-30 हजार स्टेप भी हो जाते हैं, एंड ऑन द अदर हैंड सम एल्डर से कि हमारे 5,000 भी नहीं हो पाते। हमारे भी 5,000 मैंने जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि जो 5,000 भी अच्छे से कर लेते हैं वो उसमें खुश हैं, और जो 30,000 अच्छे से कर लेते हैं वो उसमें खुश हैं। एंड एनीवेयर इन बिटवीन जो आदमी खुश है उसको कोई गिनने की जरूरत नहीं है कि मैंने कितने स्टेप चले, कितनी कैलोरी बर्न करी। नए शोशे हो गए, स्टेप गिन लो, लत्ता इधर मार लो उधर। पहले पुराने जमाने में कौन सारे हेल्दी होते थे, वो स्टेप गिनता था। अच्छी बात है कि अब नई नई चीजें आती जा रही हैं लोगों को भरमाने के लिए, कुछ नहीं है। इंडिया में क्या होता है, इंडियन पॉपुलेशन में इन जनरल जो हमारा जैसे हमारी डाइट है या जैसा हमारा लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल तो नहीं खैर, जैसा यहाँ का एनवायरनमेंट है थोड़ा सा क्लाइमेट वगैरह के हिसाब से, तो ज्यादा फैट डिपोजिशन जो होती है इंडियन पॉपुलेशन में वो ज्यादातर जैसे यहाँ नीचे लोअर एब्डोमेन में पेट के पास होती है या फिर थाइस के पास होती है। वहीं अगर हम बाहर देखें वेस्टर्न कंट्रीज में तो वहाँ का कुछ डाइट का भी फर्क है, कुछ वहाँ की यू नो एनवायरनमेंट का भी फर्क है। वहाँ फैट डिपोजिशन पेट पे ज्यादा ना होते हुए या तो नीचे वही थाइस पे होती है या फिर उनकी होती है अपर हाफ ऑफ दी चेस्ट में या फिर यहाँ बाजुओं पे इधर नीचे ट्राइसेप्स के पास। तो पर वो लोग तो इतना चलते हैं, उनकी लाइफस्टाइल तो बहुत होती है, एक्टिव होती है सारों की, खुद तक कुछ की होती है कुछ की नहीं होती। जिनकी थोड़े सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो थोड़े से अगर ओवरवेट होते हैं, अंग्रेज को अगर आप देखेंगे तो उनका ज्यादा फैट डिपोजिशन यहाँ पे होता है, बाजुओं के पास। इंडिया में इट्स नॉट कुकर चल रहा किसी का, कुकर की सीटियां ये मोस्ट प्रोबेबली सविता मैम की होती हैं, सवेरे खाना वो बनाती हैं। माइक्स ऑफ कर लीजिए हमने जिसका भी कुकर ऑन। Okay, so before we close the meeting, मैंने feedback form chat box में डाल दिया, then submit that. अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। Then after that we close the meeting and in the meantime जिसका भी कुकर हो ना भी या तो गैस बंद कर दीजिए या माइक ऑफ कर लीजिए। सारा खाना बना चुके हैं, सब्जी सब्जी बन गई, सब कुछ हो गया। वेरी गुड हो जी। तो हमने तो अभी डिसाइड भी नहीं करा कि क्या बना। अरे बन गया हमारा तो। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है हम तो टॉस करेंगे, जो टॉस हारेगा वो बनाएगा। हाँ जी वीना जी का कुकर बोल रहे हैं शायद। नहीं नहीं मैं तेरे पिंडी बना के बहू ले गई, मेरी बहू चली भी गई आपसे। मेरा कुकर नहीं, पिंडिया किदे नाल खाइया, पिंडिया सारा दिन खाओगे, पिंडिया खानिया, पिंडिया रहन दो, नहीं खाई दिया पिंडिया। लंच में भिंडी विद रायता, अब खाएंगे कुछ ब्रेड पकोड़ा। हाँ अभी वैसे भी बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश तो हो ही रही है सुबह से बड़ी जोरदार। हाँ तो यही मौसम है खाने का। और क्या असली तो परवीन जी परोठी खाती है। अरे किसी से बढ़िया टाइम तो गैप हो गए थे, मैं क्या हो गया इनका ब्रेकफास्ट टाइम। जी तो फिर काहे इतनी एक्सरसाइज करी भैया जब यही सब खाना था। पर इसी में एक्सरसाइज करके खा रहे हैं तो इतनी बड़ी एक्सरसाइज है, अच्छा खाना अच्छा और उससे मुस्कुराते हुए खाओ, खुश रहो और क्या। मोना मैम ने बड़ी सही बात कही। अभी मोना मैडम भी खाएंगी गोभी का परांठा। नहीं नहीं हम सवेरे सवेरे वक्त ऐसे थोड़ी ना सादा खाते, नमक वाला जितनी कैलोरी बर्न करी उतनी वापस खाते हैं। मैं चाय 10 बजे खाती हूं, चाय कोई सा वाला। हमने भी वही खाया, सादा पराठा नमक जो है या 10 सवेरे सवेरे। उधर से ना थोड़ी सुक्की मेथी भी तोड़ लिया करो, बड़ा स्वाद आएगा। मसाले मूली बताने लगो भैया, वो तो मूली आ चुकी है, कल तो मूली के परोठे। ओ तेरे वेरी गुड। परोठे तो सवेरे ब्रेकफास्ट का फेमस है पंजाबियों का। तो पंजाबी नहीं है लेकिन पराठे ही खा रहे हैं। कैनियों से उल्टा दे। नहीं आपको मना थोड़ी है, आप भी खाओ। नहीं हम कह रहे हैं हम नहीं है पंजाबी, मगर हम लोग क्या पराठा ही चाय चलता था। गरीब आदमी भैया ना अंडे और पराठों पे नहीं मिलता। हम आपको पंजाबी सिखा देंगे। अरे उनको हम तो पंजाबी आते, आप तो बड़ी जल्दी सीख जाओगे। पराठा नहीं पंजाबियों ने क्या कॉपीराइट लिया हुआ है पराठे का कि हम ही खाएंगे? बताओ नहीं कहते हैं हर तरफ पंजाबी पराठा। हम तो भैया पराठा चाय खाते हैं जिंदगी भर, और हमारे बच्चे भी इसीलिए तो यंग लगते हो। नहीं खाते पराठे। हाँ यही नहीं खाते पराठे, पराठे नहीं खाते। हम तो आज ब्रेड पकौड़ा बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ब्रेड पकौड़ा। और क्या फर्क है बीना जी? और दसो कि होते और नहीं प्यार असी ब्रेड पकौड़ा भी नहीं खाते, पराठे भी नहीं खाते। पराठे और पकौड़े सुन के मेरा तो वैसे आधा किलो वजन बढ़ गया। भी रहता है ब्रेड पकौड़ा इतना थोड़ा, अरे कभी 15 दिन में एक बार बन जाए। अच्छा ऐसे नहीं, सुबह तो दूध आ गई, पराठे वाली आ गई। हां जी दूध ब्रेड की गल है, पराठे वाली गली हो गई है तो। हां पराठे वाली गली चांदनी चौक में पराठे वाली गली है। अरे हेमो अभी पराठे वाली गली बन रहा है, उसके मटर के पराठे। चांदनी चौक में बड़े अच्छे पराठे मिलते हैं। आप गए हो रंजना जी? हम तो खा के आए हुए हैं बहुत बार। बचपन से ही तो दिल्ली में ही है, तो कई बार गए हैं वहाँ पे, तो अभी तो जाना मुश्किल है। जलेबी वाले की जलेबी भी खाओ। रेखा जी कल बर्थडे मनाया, कहाँ गए थे आप? आपका कितने बार नाम लिए? मेरा तो आप लोगों ने 15 अगस्त को मना लिया था। बढ़िया, कल स्पेशल मना था ना? ने 15 अगस्त को मना लिया था, सबने मिलके इतना स्पेशल किया, आपका नाम बुलाए, आप थे ही नहीं। अब बोल दो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। कल गाना गाए थे सबके लिए, आपसे भी केक खिलाए हैं, सबको केक खिलाया। वाह, केक खिलाया या केक दिखाया? केक दिखाया, दिखाया, खिलाया नहीं। हाँ, जब मिलेंगे तब खिलाएंगे। इतनी सारी पराठे और पकौड़े और केक की बात सुन सुन के मेरा तो वैसे आधा किलो वजन बढ़ गया, तो मैं कर रहा हूँ मीटिंग बंद। पनीर के पराठे बनाए, आ जाओ आप मेरे पास, आ जाओ, मैं आपको खीर खिला दूंगी, पनीर के पराठे मैं खिला दूंगी। मैम मैं चीजें खानी अवॉइड कर रहा हूँ आजकल, आप खिलाने की बात कर रहे हैं। बर्थडे वाले को तो खीर खानी चाहिए, या मैं चीजें अवॉइड कर रहा हूँ पतला होने के लिए। तो केपी जी ताऊ जी बताएंगे हेल्थ कॉन्शियस, उनकी डिश पूछिए, इनोवेटिव रहती है। केपी सर कहाँ गए? सर की जॉगिंग, कुकर की सीटी बज रही है। आई थिंक केपी सर ने लॉग आउट कर लिया। और सर वो खाएंगे हम तो अभी, है ना? हरीसी पराठे नहीं खाएंगे, हरीसी नहीं खाएंगे पराठे। जी का माइक महाराज जी, यहाँ आ जाइए, प्रोटीन शेक भी लाऊंगे। हमारा ब्रेकफास्ट वही है, प्रोटीन शेक। हम तो उस पे जी रहे हैं। नहीं खाएंगे कोई इस मौसम में, वो सब नहीं खाते। अब तो इसी पे चल रहा है, प्रोटीन शेक पी के। नाश्ता हमारा यही है, ब्रेकफास्ट। चलिए, so we'll conclude the meeting for today, and thank you so much to everyone for joining in, and I will see you now in the evening again from 4 to 5. Then सुबह मिलेंगे हम फिजियोएक्टिव टीम के साथ। So take care, I'll see you. Thanks, अनुराग जी, thanks for introducing पराठास। रमा, कौन सी पराठा खा रही हो? मैं तो आज बहुत हल्का रखा, क्योंकि 2 दिन नमक अजवाइन डालते बस, क्योंकि वो 2 दिन वहाँ हैवी खा लिया ना, तो ऐसे तलते नहीं, अब ऐसे बहुत हल्का सा। हम भी हल्का, ज्यादा घी भी नहीं देते, नाम पराठा है वैसे, नाम के वास्ते है, पर ब्रेड में नहीं खाते, ब्रेड में मैदा मैदा ज्यादा होता ना। Don't prefer bread. So I'll see everyone in the evening. Okay, thank you. Bye. Okay, Dr. Bye.